आदरणीय गुरु जी का, और जितने भी हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं सबके चरणों में नमन करते हुए, और हमारे जितने भी माता बहने बड़े बुजुर्ग और बच्चे, मैं सभी को प्यार कर भरा अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। और सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अपना बेशकीमती समय मुझे दिया, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ कमा सकता आदमी, हर चीज़ वापस ला सकता है, मगर एक बार समय अगर चला गया तो उसको वापस नहीं ला सकता। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो है आपके पास, वो है आपका अपना समय, क्योंकि समय की बहुत कीमत होती है, और आपने अपना मुझे बेशकीमती समय दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस समय की कीमत मैं आपको सूद समेत वापस करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी के साथ में मेरे बारे में बहुत बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत बातें बताई मेरे बारे में, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रत्याशी को वोट देने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर पड़ताल कर लेनी चाहिए कि आज से पहले उसने किसी के लिए कुछ किया है क्या। अगर उसने आपसे पहले किसी के लिए कुछ किया होगा तो उसकी आदत बन चुकी होगी, उसकी आदत में शुमार हो चुका होगा वो चीज। तो इसलिए किसी को प्रत्याशी को वोट देने से पहले आप ये देख लेना कि ये हाँ हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, मैं नहीं कहता कि मुझे वोट दीजिए, अगर मैं आपके क्षेत्र का विकास कर सकता हूँ तो मुझे चुनना, अगर मैं आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता तो मत चुनना, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में जहां पर भी जाता हूँ तो केवल एक ही बात कहता हूँ कि लोग आपके पास आएंगे, सब तरह तरह का लालच देंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे आपको, आपको बहकाने का फुसलाने का काम करेंगे, आपके बीच में नफरत भरी बातें पैदा करने का काम करेंगे, आपके बीच में आएंगे हिंदू और मुसलमान का चश्मा पहनाने का काम करेंगे, जाति और धर्म का बात करेंगे। मगर मैं एक ही बात कहता हूँ सबके बीच में जाके कि मुझे विकास में वोट चाहिए, मुझे क्षेत्र का विकास चाहिए। प्लीज यादव, प्लीज यादव, प्लीज यादव, मुझे जाति और धर्म से मतलब नहीं है। मैं एक एक के घर पे, मुझे 4 साल हो गया, 4 साल से मेहनत करते करते एक एक के घर पे 6-6 बार जा चुका हूँ। सबसे यही कहता हूँ जाके कि विकास पे हावी ना हो जाए आपका जाति धर्म, क्योंकि बीजेपी वाले भी जाति धर्म की राजनीति करते हैं, आपको पता है बीजेपी वाले जाति धर्म की राजनीति करते हैं। कितना विकास किया उन्होंने आज तक बताइए, हमारे देश को साले गड्ढे में ले जाने